नागरिक के मजे आ गए। आज सुबह सुबह टकरा गए एक कविराज, कविराज के पास शानदार गाड़ी और ये नागरिक ठहरा सदा का अनाड़ी। सोचा आज इनके मन को कुरे दो, सो निवेदन किया, कवि जी एक दिन के लिए गाड़ी हमें दे दो। वे बोले, हमसे बढ़कर इस सृष्टि में कौन होगा नवाबी, ये लो कार की चाबी। तो दोस्तों चाबी है, गाड़ी है, 10 न्यूजी गानों का सुहाना सफर है अपने साथ, आपको भी घुमाएंगे पूरा टाउन। न्यूजी काउंटडाउन। अब जब इस सुहाने सफर पर निकल ही गए हैं तो बातचीत के मुद्दे तो हैं कई, लेकिन शुरू में ध्यान आ रहे हैं श्री सुभाष घई, जिन्होंने अपनी नई फिल्म के लिए एक नई हीरोइन की उत्पत्ति करी। हीरोइन का नाम महिमा चौधरी। सुभाष घई ने भविष्य का पुख्ता प्रबंध किया, उसके साथ अपनी मुक्ता आर्ट्स की ओर से 5 साल स्टेज शोज न करने का एक अनुबंध किया, लेकिन महिमा ने अपनी महिमा दिखाई, वो अनुबंध के बंधन में नहीं आई, मजे लिए खूब सारे स्टेज शोज किए। तो सुभाष घई ने 25 लाख का दावा ठोक दिया, महिमा चौधरी ने अपनी, तो दोनों इस समय एक दूसरे के सामने अड़े हैं, अपना वकील लेके खड़े हैं, हो नहीं रहे टस से मस, दोनों एक दूसरे के लिए गा रहे हैं गाना नंबर 10। गौरी के तो चलो ठीक है नखरे, लेकिन पाकिस्तान अगर गौरी मिसाइल छोड़े तो हमको अखरे। देखिए ये जो युद्ध है, नागरिक इसके एकदम विरुद्ध है, पर पाकिस्तान को अगर अपने गौरी पर कुछ ज्यादा ही विश्वास है तो जॉर्ज फर्नांडिस कहते हैं कि 2500 किलोमीटर तक मार करने वाली अग्नि उनके पास है, उसके बाद सूर्य है, धनुष है, सागरिका है, अस्त्र है और अग्नि 2 है, यानी हमारे पास ज्यादा होगा तुम्हारे पास जो है। तो किस में कितनी ताकत है, कौन कितना बलवान, कौन कितना मजबूत, कौन कितना जवान, नवाज शरीफ और जॉर्ज फर्नांडीज एक दूसरे के लिए गा रहे हैं गाना नवा। अब बातचीत जरा क्रिकेट पर आए। पिछले दिनों की उल्लेखनीय बात यह रही कि हमारे जडेजा और अजहरुद्दीन ने विरोधी टीम के परखच्चे उड़ाए, जैसे ही मैदान में आए तो ऐसे चौके छक्के लगाए कि सामने वालों के छक्के छुड़ाए, अविजित रहे, दोनों ने शतक बनाए और योग 275 विश्व रिकॉर्ड बनाए। कीप इट अप, अच्छी बात है, बहुत अच्छा खेल रहे हैं आप लोग, ग्रेट। आप दोनों की ओर से सॉन्ग नंबर 8। भैया राम भरोसे, एक चाय और 2 समोसे। वैसे हमारे देश में बहुत बड़ी संख्या में, बहुत 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 ज्यादा बड़ी संख्या में लोग हैं राम भरोसे, जिनको अब तक सरकारों ने सुविधाएं कम, आश्वासन ज्यादा परोसे। पिछले दिनों प्रधानमंत्री की ओर से एक जनता दरबार लगाया गया और उसमें इन बेशुमार लोगों में से लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बुलाया गया। 300 लोग पहुंचे लेकर अपनी किस्म किस्म की फरियाद, लेकिन प्रधानमंत्री जी आए लगभग 2 घंटे बाद, आके क्षमा में हाथ जोड़ते हुए मुस्कुराए, उन लोगों से मिल नहीं पाए। तो जिनसे नहीं मिले उनके दिल छिले, जिन लोगों से उनकी हो नहीं पाई मुलाकात, उन लोगों की ओर से प्रधानमंत्री आपके लिए गाना नंबर 7। गर्मियां आ गई हैं और आम लोग मना रहे हैं मनौती कि इस बार नहीं होनी चाहिए ज्यादा बिजली की कटौती, अगर जलेगा नहीं लट्टू और चलेगा नहीं पंखा तो बजा देंगे डंका। अमीरों का क्या है, उनके तो जनरेटर से चल जाएंगे कूलर और एसी, लेकिन गरीब का जीना भी कोई जीना है, बिजली की कटौती यानी एसी की तैसी। इसलिए अगर सरकार ने अगर बिजली में ज्यादा कटौती की और उसका ध्यान इन आम लोगों की ओर से हटा तो वे सुना देंगे गाना नंबर 6। मेहनत की जय, पसीने की जय, क्योंकि इनमें होती है जिंदगी की लय। इन दिनों सबसे ज्यादा सक्रिय है सूचना और प्रसारण मंत्रालय, मुख्तार अब्बास नकवी। उन्होंने
एक विज्ञप्ति के माध्यम से उन विज्ञापनों पर रोक लगा दी जो कि हमारी नई पीढ़ी को अश्लील संवाद के लिए टेलीफोन पर उकसाते हैं और उनके अंदर उत्तेजना फैलाते हैं, उन्हें अनावश्यक रूप से भड़काते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वे घूंघट और बुरका संस्कृति के नहीं है कायल, लेकिन इन विज्ञापनों से हैं बहुत घायल। सुषमा स्वराज के साथ मिलकर वे कराना चाहते हैं इस सांस्कृतिक प्रदूषण की जांच और नागरिकों को सुनाना चाहते हैं गाना नंबर 5। सुनो भैया, पहली बात कि एक थे भूतल परिवहन मंत्री श्री आर मुदैया, दूसरी बात यह कि गाड़ी में बैठते ही उनका पंचर हो गया पहिया, क्योंकि उनसे पूछ लिया गया कि स्रोत से अधिक कहां से पाया इतना रुपया। तीसरी बात यह है कि अदालत ने भी उनको प्रथम दृष्टि में भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोपी पाया तो अम्मा जयललिता ने उनको वापस बुलाया। चौथी और अंतिम बात ये कि जब पहिया पंचर हो जाएगा तो आदमी भला आगे कैसे जाएगा, वो तो यही गाएगा। संयुक्त मोर्चा और वामपंथ के प्रत्येक दल ने पहले तो करी थोड़ी सी वैचारिक तैयारी और फिर एक झटके में तेलुगु देशम और चंद्रबाबू नायडू के साथ तोड़ दी अपनी 15 साल पुरानी यारी। कहा ये कि यारी में धोखा दिया गया है, मौका देखते ही सांप्रदायिक भाजपा से इन्होंने नाता जोड़ लिया और हमसे मुंह मोड़ लिया। अब यदि चंद्रबाबू नायडू स्वयं संयुक्त मोर्चे में आने का कोई प्रस्ताव रखेंगे भी तो नहीं किया जाएगा विचाराधीन। सुनिए नागरिक की ओर से गाना नंबर 3। AICC की मीटिंग में जैसे ही सीताराम केसरी अपने हृदय के उद्गार प्रकट करने के लिए खड़े हुए, वैसे ही सोनिया गांधी के चेहरे के भाव थोड़े कड़े हुए और जल्दी जल्दी वे वहां से उठ के चल दी। केसरी जी के मुंह से बेसाख्ता निकला ओ और मन में गूंजा गाना नंबर 2। फुर्सत के क्षणों में हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के दिमाग में भी तरह तरह के विचार आते रहते हैं, कभी शानदार कभी उलझलूल। अभी हाल ही में वे एक प्रस्ताव रखने की कर बैठे भूल, जो जनता दल अध्यक्ष शरद यादव को हरगिज नहीं हुआ कबूल। विचार ये कि भाई देखो, बिछड़े हुए लोगों को फिर से बसाना चाहिए। मुलायम सिंह, लालू यादव और उनके साथ शरद यादव को एक जनता दल परिवार बनाना चाहिए। सुनते ही छा गया सन्नाटा, जैसे 100 बिच्छुओं ने एक साथ काटा। शरद यादव ने कहा, चंद्रशेखर जी ऐसा प्रस्ताव हरगिज मत रखिए अपावन। सुनिए हमारा गाना नंबर 1। पर मेरे अंगने में तुम्हारा ही तो काम है। प्यारे दर्शकों, प्रिय श्रोताओं, अगले हफ्ते भी आप सबके लिए मेरे पास 10 प्यारे निराले गानों का इंतजाम है। अभी तो मैं कवि जी की गाड़ी वापस करूंगा, लेकिन उससे पहले आप सबको नमस्कार करूंगा। नमस्कार, गुड बाय, टाटा।